नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशन ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक बहुत संवेदनशील है क्योंकि दिल्ली में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर करो कि दिल्ली सरकार के पांव उखड़ जाए। और इस मुहिम में हमारे साथ एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी भी हैं। मतलब जो राइट टू एजुकेशन है उसका भी पालन नहीं हो रहा है, बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं किसी भी स्कूल में, निगम का स्कूल हो, परिषदीय स्कूल हो, या दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल हो, या कॉन्वेंट स्कूल हो, किसी भी स्कूल में बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है ना। वो बता रहे हैं कि कहाँ से बनवाएं, क्या करें, क्या नहीं करना। ये मैं वीडियो दिखाऊंगा अभी आपको अशोक अग्रवाल जी की, वो बच्चे बैठे हुए हैं उनके पास में और वो उनसे पूछ रहे हैं। वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट पढ़ने नहीं देती, बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ भी सुरक्षा मुहैया या ऐसी पॉलिसी नहीं बना रखी है कि जिससे जिन बच्चों के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो एडमिशन ले सके। यहाँ तक कि CBSE ने SC ST स्टूडेंट की जो बोर्ड फीस है वो 50 रुपये से सीधी 1,500 रुपये कर दिए, 24 गुना करीब उन्होंने बढ़ा दिया। तो ये क्या है सब, कैसे हम इसको देखते हैं, आप लोग कैसे देखते हैं इसको? तो इसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, संवेदनशील विषय है ये। अभी आप वीडियो देखिए, फिर मैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम बाद में आफ्टर सीइंग द वीडियो। ये रही आपकी वो वीडियो जो अशोक अग्रवाल जी ने डाली है और वो इसका मंथन करना चाहते हैं। रियली ही इज़ द रियल हीरो जो एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप भी अशोक अग्रवाल जी की जो वीडियो हैं उनको बढ़ावा दीजिए और समाज में अधिक से अधिक जगह इसको फैलाएं। चलिए देखते हैं अशोक अग्रवाल जी का बच्चों के साथ में मिनी इंटरव्यू। काफी सारे बच्चे मेरे पास आए हैं और दिल्ली में रह रहे हैं ये, और इनको जो स्कूल है, चाहे वो नगर निगम का स्कूल है, चाहे दिल्ली सरकार का स्कूल है, चाहे कैंटोनमेंट बोर्ड का स्कूल है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, देखो ये एक बच्चा, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये और एक ये बच्चा, इसके पास इसको दाखिले इसलिए नहीं मिल रहे हैं स्कूल के अंदर क्योंकि इनके पास कोई कागज नहीं है, जन्म पत्री का कोई कागज नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का कोई कागज नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, लेकिन ये पढ़ना चाहते हैं तो इनके माता पिता से बात करते हैं। आपका कौन सा बच्चा है ये दो बच्चे हैं, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है बताओ? सर दिक्कत ये है, कई बार स्कूल पर आया। कौन से स्कूल में गए? ये जो भाई साहब ने सर ने बताया जो दिल्ली कैंट में, दिल्ली कैंट के स्कूल में गए। वो 12वीं क्लास तक का स्कूल है? किस जगह पे? गाँव। अच्छा, ढोलकुआ से। फिर क्या हुआ? तो वहाँ पे इनकी मना कर रहे हैं कि हम ऐसा दाखिला नहीं करेंगे। क्यों? कह रहे जन्म पत्री लाओ और आधार कार्ड दिखाया। ये बच्चे कहाँ पैदा हुए थे? बच्चे घर पे पैदा हुए, यही दिल्ली में। जी सर। लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया इनका, है ना? यही गलती हुई है सर बस। हाँ, तो अब आपकी गलती वजह से इन बच्चों को जो है सर स्कूल जो है वो दाखिले नहीं दे रहे। आप नगर निगम के स्कूल में भी गए थे क्या दाखिले के लिए? नगर निगम का जो स्कूल होता है 5वीं क्लास तक का जो स्कूल होता है? जी सर, हमारे एक ही स्कूल है वो जड़ेजे में जो है 12वीं तक जो अभी। आप लोगों में से कौन गया था इन बच्चों के लिए? कौन गया था? ये जो 4-5 बच्चे हैं, आप गए थे नगर निगम के स्कूल में? उसी में गए थे। हाँ, तो क्यों, वो क्या बोले? उन्होंने यही बोल दिया कि जन्म पत्री दे दिया, जन्म पत्री नहीं, आधार कार्ड, एफिडेविट की बोली थी सर, उसकी मना करने लग गए। टीका कार्ड होता है बच्चे का, जो टीका कार्ड होता है उसकी भी मना। इसके कौन पिता है? फादर कौन? हाँ, इसको कौन सी क्लास में चाहिए था दाखिला? कौन सी क्लास में पढ़ना था आपको? कितने साल के हो? 5 साल। पता है कितने साल के हो? कोई सबूत तो है ही नहीं आपको कितने साल के हो, है? इसीलिए दाखला नहीं हो रहा आपका, है? इसीलिए दाखला नहीं हो रहा? इसके पास जन्म का सर्टिफिकेट नहीं है, आधार कार्ड है इसके पास? आधार कार्ड भी नहीं है। तो क्या पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहते हो क्या? मेरी तरह नहीं पढ़ना चाहते? मैं तो कभी स्कूल में इंटरेस्टेड ही नहीं था पढ़ने में, गलती से वकील बन गया, रोज छुट्टी कर लेता था मैं स्कूल से। तुम पढ़ना चाहते सही में? मेरी लड़की, मेरी
बड़ी वाली अपनी दीदी की कॉपी उठा लेती है, उसमें गिनती लिखती रहती है। क्या क्या मतलब बच्चों को पढ़ने का? दो लड़की पढ़ रही है सर, इनका दाखला नहीं हो रहा। तो ये बहुत मतलब बहुत ही दुख की बात है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद भी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनने के बाद भी जो है आज स्कूल जो है कोई ना कोई बहाने करके, चाहे वो दिल्ली सरकार का स्कूल हो, चाहे कंटोनमेंट का स्कूल हो, चाहे इवन कॉरपोरेशन का स्कूल भी जो है, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो वो आपको दाखिला बना कर देता है। तो ये एक तरीके से इनके बच्चों के जो है, इन बच्चों के जो फंडामेंटल राइट्स और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, इनके बर्थ राइट्स हैं, ये सरकारें जो है, ये अथॉरिटीज जो है वो बुरी तरीके से मतलब वायलेट कर रही हैं इनको। मुझे लगता है इनको शर्म आनी चाहिए अथॉरिटीज को। और मेरी बच्ची को वर्दी नहीं मिली, सब बच्चों को वर्दी मिल गई, मैंने अपनी जेब से वर्दी दिलाई, बस्ते मिले नहीं मिले, सबों को बच्चों को बस्ते मिले, वहाँ पे जो आपके दूसरे दो बच्चे पढ़ते हैं, दो जो पढ़ते हैं सर, उनको भी बस्ते नहीं मिले, नहीं मिले, और बच्चों को बस्ते मिले। मैंने बोला स्कूल में जाकर, कह रहे बस्ते खत्म हो गए यहाँ तक। वो कौन से कंटोनमेंट पढ़ के स्कूल में पढ़ते हैं वो? हाँ जी सर, वही कंटोनमेंट की बात कर रहे हो। और वर्दी दिलाई मैंने अपनी बेटी को, बड़ी वाली को, नागर से मैंने वर्दी दिलाई। मैंने कहा चलो वर्दी वर्दी कुछ नहीं दे रहे। मैं कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? एक फोर्थ क्लास में, एक दूसरी क्लास में, दूसरी क्लास में पढ़ते हैं जी सर। और वही स्कूल इन बच्चों को मना कर रहा है? वही स्कूल इनको मना कर रहा है सर। मेरी बड़ी बेटी की वहाँ पढ़ती है सेवन्थ क्लास में, और उनकी जो मनी आती है ना वो आज तक नहीं मिली। कोई बात नहीं, मनी के ध्यान मत दो। नहीं नहीं सॉरी, मैं बात नहीं बोल रहा, मतलब पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं वो स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, उसमें माँ बाप का ध्यान जाना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई। आप मनी मनी का चक्कर मत लो, जब पढ़ लेंगे तो ये मनी ला के दे देंगे आपको कुछ करके। अब ये लड़की भक्ति है मेरी, सुबह सुबह मैंने की बेटा ऐसे कैसे भेज दी। नहीं नहीं करेंगे, इसकी कार्रवाई करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम हाईकोर्ट को अप्रोच करेंगे, इन बच्चों को सबको दाखिला दिलाएंगे। ठीक है जी सर, ओके। अभी आपने देखा कि अग्रवाल जी कितने प्यार से बातें कर रहे हैं बच्चों से और वो उनके भविष्य के बारे में किस तरह से सोच रहे हैं। तो ये एक जो भारत है, जो हमारा हिंदुस्तान है, उसकी एक रियल हीरो की मिसाल है। तो हमें भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन विषयों को सार्वजनिक करना होगा। जब तक ऐसा नहीं करेंगे हम इस देश की शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधार सकते। देखिए, एक तो वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी आ भी रही है तो वो क्लियर नहीं हो रही है। स्कूलों में बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये इतने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस हैं। भ्रष्टाचार भरा हुआ है एजुकेशन में, ठीक है। पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। जो टीचर्स की पोस्ट हैं वो खरीदी जा रही हैं। तो इन सब जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बर्निंग क्वेश्चंस हैं, और इनको हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा। जितनी भी सिचुएशन है, एडवर्स कंडीशन है, इनको ख़त्म करना होगा। और आपके साथ में बहुत लोग हैं, जैसे अग्रवाल साहब हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, आप देखें तो सही, चारों तरफ फैले हुए हैं। लेकिन आप सब लोगों की जो निगाहें हैं वो संशय की निगाहें हैं। आप हमेशा, क्योंकि जैसा आप हैं ऐसे दूसरे समझते हैं, इसलिए कभी भी दूसरे की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे अशोक अग्रवाल जी हैं, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर संदेह नहीं करें, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, तो हम इस समाज से सभी कुरीतियाँ रिमूव कर सकते हैं। चलिए अभी इतना ही, फिर किसी अच्छे टॉपिक पर फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।